सारण के अवतार नगर थाना क्षेत्र से सारण पुलिस ने दो गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। गांजा तस्करों के पास से लगभग 27 किलो गांजा, एक देसी कार्बाइन, एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस किया गया बरामद। सारण पुलिस द्वारा अपराधकर्मियों तथा मादक पदार्थों के तस्करों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। सूचना मिली कि अवतार नगर थाना अंतर्गत कुछ गांजे का अवैध कारोबार चल रहा है। इस पर एक व्यक्ति को मोहन नायक को कोटका गांव से पकड़ा गया। उस पूछताछ करने पर यह पता चला कि उसके पास से पहले 500 ग्राम के लगभग गांजा बरामद किया गया। उससे पूछताछ के क्रम में यह पता चला कि वो एक उसी थाना क्षेत्र के अवतार नगर थाना क्षेत्र के ही धनौरा गांव के रहने वाले एक व्यक्ति से गांजा का सप्लाई लेता है। तो इस के छानबीन तथा जो सप्लाई है उसके गिरफ्तारी के लिए टीम बना करके अवतार नगर थाना के पदाधिकारियों को भेजा गया। तो उसमें छापामारी के क्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई, जिसमें कि लगभग 26 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। उसके अतिरिक्त एक अपराधकर्मी विनोद सिंह और अंबाज को गिरफ्तार किया गया। उस घर को सर्च करने में उसके घर से एक कार्बाइन, दो मैगजीन कार्बाइन का और तीन गोली और एक देसी कट्टा बरामद किया गया। और लगभग 12,700 रुपये उसके घर से बरामद किया गया, जो लगता है कि अवैध गांजा के कारोबार से के खरीद फरोख्त के क्रम में पैसा एकत्रित इनके द्वारा किया गया। इसमें बाजार समिति स्थित एक फल की दुकान में लगी आग, हजारों की संपत्ति जलकर राख। फल दुकानदार ने दुकान में आग लगने के पीछे बताई साजिश। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। पति ने पीट पीट कर दी पत्नी की हत्या। 4 साल पहले हुई थी शादी। मिली जानकारी के अनुसार पति पत्नी को करता था दहेज के लिए प्रताड़ित। ब्रह्मर्षि चेतना मंच के सदस्यों ने की बैठक। बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय। चेतना मंच के नाम से संस्था बनाई है। उस संस्था का उद्देश्य है कि लोगों को, गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाना और उसके लिए छोटे बच्चों की मदद करना, किसानों के लिए उचित मूल्य दिलवाना और उनके ऋण के लिए भी संघर्ष करना, ऋण माफी की बात हो या ऋण देने की बात हो, इस सब में सहजता और सुलभता होनी चाहिए। मैट्रिक परीक्षा के दूसरे दिन एक परीक्षार्थी को किया गया निष्कासित। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और पुलिस कप्तान हरकिशोर राय ने कई परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। प्रतिदिन 5 बड़ी खबरों को देखने के लिए छपरा टुडे का यूट्यूब चैनल करें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर करें।